अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो यहां विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से पंजीकृत मदरसों में 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2.62 लाख रूपये खर्च होंगे। बता दें कि गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम में इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी।